हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्रो न्यूज़ जोन। और आज इस लैपटॉप को हम जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। वैसे तो मैंने कर लिया था, बट आपके लिए फिर से कर देता हूँ। खाली डिब्बा है ये अंदर, इसके अंदर कोई भी सिक्योर पैकेजिंग नाम की चीज़ नहीं है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको देख सकते हो डिब्बा है एसर का और एक फ्लिपकार्ट का डिब्बा है। डिब्बे के अंदर डिब्बे से डिब्बा निकाला और आप देख सकते हो सिक्योर पैकेजिंग को। तो भैया हमने लैपटॉप निकाल लिया है अपना एसर एस्पायर i5 12th जनरेशन, जो कि एक बढ़िया प्राइस पर मुझे मिला, क्योंकि मुझे चाहिए था अपना लैपटॉप एक्सचेंज करना था, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये लैपटॉप कर दिया ऑर्डर। ठीक है, आपको हो सकता है मुझसे कम में मिले, बट अगर आपको ये 30K के अराउंड डिस्काउंट के बाद 31-32 के अराउंड या 30 के अराउंड या 29 के अराउंड मिलता है, एक्सचेंज में आपको ऑफर मिलता है, तो आप इस लैपटॉप को बिना सोचे समझे भी ले सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऑफिस गोइंग है और इनिशियल या आपका फर्स्ट कंप्यूटर हो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं बिना इतना दिमाग लगाए, क्योंकि इसमें मिलता है आपको i5 12th जनरेशन 512 SSD और भी बहुत कुछ, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यूज़र मैनुअल देख लीजिए, वैसे कि यूज़र मैनुअल देखने का आजकल टाइम ख़त्म हो गया है, तो भैया जल्दी से इसको स्क्रॉल करो और आ जाते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव पर, जो कि है लैपटॉप को अंदर से देखने का। तो यूज़र मैनुअल को रखो साइड में, तो भैया जल्दी से निकालो। पैकेजिंग में आप देख सकते हो दो थर्माकोल से अच्छी क्वालिटी वाले थर्माकोल हैं, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह ये लैपटॉप। तो भैया सिक्योरिटी में मैं कैसे मानता हूँ, मतलब इसको फेंका भी गया होगा। और यहाँ से हमने निकाला एक कार्डबोर्ड का डिब्बा, मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग है। इसके अंदर से आपको मिलेगा एक चार्जर और एक उसकी पावर केबल। 65 वोल्ट का ये चार्जर जो है, 65 वोल्ट का ये जो चार्जर है, इसके साथ पावर केबल आती है और ये USB-C टाइप का है। तो सबसे अच्छी बात ये भी हो सकती है आपके लिए, आजकल जहाँ पे पावर स्लॉट सी टाइप के नहीं आ रहे हैं, तो वो भी अगर आप कंसीडर कर सकते हैं। 65 के आजकल मोबाइल चार्जर आते हैं, तो मोबाइल से भी आप इस मोबाइल के अडेप्टर से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो जल्दी से इसकी कर लेते हैं अनरैपिंग, और अनरैपिंग करने के बाद ये जो स्मॉल थर्माकोल टाइप का जो प्रोटेक्शन है, निकालने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो। पहला लुक कैसा लगा आपको? बैजिंग मिल जाती है i5 की, उसके अलावा इसमें एसर एस्पायर 3 की बैजिंग मिल जाती है। DDR4 के बारे में बताया गया है, स्लीक डिज़ाइन, फुल HD कैमरा, शटर और फ्लैक्स 180 डिग्री, ये सब इसमें बेसिक सी चीज़ें बता दी गई हैं। वैसे नहीं भी बताते तो भी ठीक था, लेकिन बता दी गई है तो और अच्छी बात है। ये कैमरा शटर आप देख सकते हो, और उसके बाद आप देख सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। आप कैमरा शटर का, आप इसके बाजू में आपको मिलेगा कैमरा शटर, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, प्राइवेसी शटर एक तरह से बोल सकते हो। सी टाइप की आपको इसमें चार्जिंग मिलेगी, उसके बाद आपको फास्ट USB 3.0 मिल जाएंगे, फिर आपको एक HDMI पोर्ट भी मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। कभी कभी आपको कनेक्ट करना पड़े अपनी TV में, स्मार्ट TV में, तो कर सकते हो ईजिली कन्वीनियंटली। और उसके अलावा आपके पास जो पोर्ट है, लाइट, इसमें LED चार्जिंग लाइट है, ये रेड और ब्लू होती है, तो रेड जब चार्ज करो, ब्लू जो फुल, ये थंडरबोल्ट पोर्ट भी मिल जाएगा। इससे मैंने ट्रांसफ़र भी किया था, काफ़ी फास्ट है। सबसे अच्छी बात, आजकल आईफोन जो है थंडरबोल्ट केबल के साथ आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप कर सकते हो इससे। बैटरी बैकअप जो है 2.5 से 3.5 चार्ज लगेगा फुल होने में। ये आपको SD कार्ड का स्लॉट भी इसमें मिल जाएगा। SD कार्ड के स्लॉट के अलावा इसमें आपको USB हाई स्पीड पोर्ट और नॉर्मल एक USB पोर्ट, यानी कि आपको 3 USB पोर्ट मिलते हैं, तो पोर्ट के मामले में ये विन है। और मतलब 4 पोर्ट हो गए कुल मिला के। उसके अलावा आपके पास मिल जाएगा 3.5 mm का जैक, तो आप अपने हेडफोन स्पीकर वगैरह भी लगा सकते हो। काइनस्टाइन का लॉक भी मिल जाएगा, ये मुझे पता नहीं है क्यों यूज़ होता है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी सर्च भी नहीं किया। और एक हाथ से आप इसको बंद तो कर सकते हो, लेकिन आप इसको एकदम से खोल नहीं सकते। खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से बैंड होता हुआ दिखेगा। 180 डिग्री आप इसको फ्लैक्स करके देख सकते हो, बढ़िया अंदर तक 180 डिग्री तक हो जाता है ये। उसके बाद आप ये देख सकते हो मस्त एसर की जो डिज़ाइनिंग है, मेटेलिक में प्लास्टिक का बॉडी है ये ग्रे कलर की, लेकिन इतना चीप फील नहीं होगा आप जितना सोच रहे हो, काफ़ी प्रीमियम फील होगा ये। दो स्पीकर मिल जाएंगे इसके, एक इधर है, एक लेफ्ट एक राइट में है। ठीक है, वेंट आउट है ये प्रोसेसर के लिए, ताकि गर्मी जो है निकल जाए। i5 प्रोसेसर है, अगर आप हैवी टास्क करोगे तो हीट भी होगा नो डाउट, क्योंकि ये मैकबुक वगैरह तो है नहीं। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। प्राइस की बात करें तो आप बिल्कुल, मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको मतलब 30,000 रुपये में आपको 50,000 वाला फील, भाई 30,000 में आपको 40,000 वाला फील दे रहा है ये लैपटॉप, तो इतना दिमाग मत लगाइए। और जब आप चार्ज करते हो तो ब्लू लाइट ऑन होती है इसमें से। LED लाइट के बारे में मैं कहूँगा कि LED लाइट जो अभी आपको वीडियो में दिख रही है, वो उससे थोड़ी सी बेकार आपको समझ में आएगी रियलिटी में, है ना? तो वो मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं। बाकी जब ये ऑन होता है तो ये 7 से 8 सेकंड में ऑन हो जाता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑन होने के बाद, बट मैंने इसका फास्ट बूट टर्न ऑफ कर दिया है, क्योंकि फास्ट बूट टर्न ऑफ होने से क्या होता है कि आपका जो अप टाइम होता है
वो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो वहीं से आपका अपटाइम चालू होता है। फास्ट बूट ऑफ कर दिया गया है, उससे ड्रेन बैटरी भी ड्रेन ज़्यादा नहीं होती फास्ट बूट से। अब वारंटी वगैरह आप रजिस्टर कर सकते हो, मैंने अभी रजिस्टर नहीं की पर मैं करूँगा इसको आजकल में, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिससे वापस करना पड़े या कुछ करना पड़े। और अब टास्क मैनेजर में जब आप जाके देखोगे तो आप CPU देखो, CPU इसका 3.14 से जब स्टार्ट हुआ था, 1.4 इसका स्टार्टिंग है और ये 3.4 अपने प्रोसेसिंग के हिसाब से ये कन्वर्ट होता रहता है। 10 इसमें कोर्स हैं प्रोसेसर में और 2 और कोर हैं, मतलब टोटल 12 कोर्स हैं इसमें। और आप इसमें रैम देख सकते हो, 16 GB की इसमें रैम डली हुई है, स्लॉट 2 स्लॉट है बट 1 स्लॉट में ही डली हुई है, तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो उसको अगर आपको एक्सपेंड करना है। उसके अलावा 3200 mAh की स्पीड है। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें या SSD की बात करें तो इसमें 477 GB की PCIe 4th Generation की हार्ड डिस्क इसमें डली हुई है। GPU की बात करें तो 128 का इसमें GPU है और बाकी जो है वो शेयर्ड है। तो GPU के मामले में ये थोड़ा सा फिसड्डी है, तो GPU के मामले में अगर आपका यूज़ है तो बिल्कुल मतलब अवॉइड करिए इस लैपटॉप को, GPU का अगर थोड़ा भी यूज़ है तो। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले एक नंबर डिस्प्ले है इसमें, आप देख सकते हो ब्राइटनेस अभी फुल नहीं है बट डिस्प्ले में आपको मज़ा आएगा प्राइस की रेंज में, क्योंकि जिस प्राइस में ये आपको मिलेगा। चलो आप थोड़ा सा गेम खेलते हैं और गेम खेलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये लैपटॉप वर्थ इट है या नहीं, या आप किस बजट रेंज में इसको बाय कर सकते हैं, बिग बिलियन डे सेल में क्या प्राइस होने वाला है। और जल्दी से बैटरी इसकी 50% है, बैटरी भी चेक कर लेते हैं, पावर यूसेज जो है अभी कैसा है इसका, और ब्राइटनेस फुल करने के बाद जल्दी से हमने इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, लॉन्च करने के बाद सिंगल प्लेयर में जल्दी से मैं इसको खेलेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं चीज़ों को। पीछे की जो इसकी जो ओरिजिनल नॉइस है वो मैं आपको सुनाऊंगा, अभी मैंने थोड़ा सा वॉइस अपनी इसमें दी है क्योंकि वॉइस जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो इतनी अच्छी नहीं आई थी कि मैं उसे एडिट कर सकूँ। नॉर्मल आप इसमें ऐसे काम कर सकते हो जिसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं हो, तो आप नॉर्मल ये सब काम कर सकते हो। गेम हैवी गेम मैंने ट्राई नहीं किया है अभी, अभी नॉर्मल गेम ट्राई किया, मैं इसको यूज़ ही कर रहा हूँ, बट आप सभी का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं जल्दी से इसको बनाना चाहता हूँ। ग्राफिक भी इसके अच्छे हैं, एसफॉल्ट 8 है डिस्प्ले में, आपको देख सकते होंगे उसको, इतना डिसेंट गेम है, मज़ा ही आ जाएगा आपको उसको भी खेलने में। नॉर्मल आप गेमिंग कर सकते हो इसमें, कोई इतनी बड़ी या इतनी बेकार बात नहीं है ये, आप नॉर्मल इसमें कर सकते हो। नॉर्मल गेमिंग के लिए अच्छा फ़ोन है, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आप इसमें इजीली कर सकते हो, तो अगर आपको बजट है, मेन चीज़ आती है बजट की, तो आपको इसको मज़ा भी आएगा खेलने में। अब मैंने जैसे कि नॉर्मल ये गेम चला था लगभग 4-5 मिनट चला था, तो बैटरी भी वहाँ की देख कर जाएगा, बैटरी थी तो 49%, 1% यूज हुई है 5 मिनट में। अगर आप गेम खेलते हैं तो बैटरी को थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में, और आप कंटिन्यूसली इसको यूज़ करोगे तो थोड़ा सा टाइम ये लेगी। मैं आपको इसमें और अगर हम इस प्राइस सेगमेंट में डिस्प्ले की बात करें तो टॉप नॉच डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है आपको, फुल HD है, मज़ा आ जाएगा। मैंने 4K में यूट्यूब पर वीडियो भी चला के देखी थी, बढ़िया ग्राफिक्स आ रहे थे इसके, बढ़िया विजुअल आ रहे थे, और ये मूवी का एक सीन भी देख सकते हो कि कैसा लग रहा है आपको, तो आप बता सकते हो। लाइट जल रही है पीछे तो उसकी वजह से वो पीछे आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने 3 लाइट जलाई थी तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा वो आ रहा हो, बाकी डिस्प्ले इज़ प्रीटी मच नाइस। 3 लाइट है उसमें से, एक पावर ऑन की, दूसरी कैप्स लॉक की, और जो तीसरी लाइट है अगर आपको अपना ट्रैक पैड या ये टच पैड है वो बंद करना है तो उसको भी आप बंद कर सकते हो। मान लो अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो आप उसको बंद कर सकते हो, टाइपिंग कर रहे हो और माउस यूज़ कर रहे हो तो उसको बंद कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है।
और आप इसको देख सकते हो, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, इतनी नॉइज़ नहीं आएगी, इतना वॉबल फील नहीं होगा, टाइपिंग में भी डिसेंट है ये, टाइपिंग क्वालिटी भी अच्छी आएगी आपकी, और कीबोर्ड भी अच्छे हैं, बड़े हैं, मतलब 14 इंच के हिसाब से बड़े हैं, इतने छोटे नहीं है कीबोर्ड कीज। फिर आप इसमें बैकलेट कीबोर्ड भी देख सकते हो, दो स्टेज की इसकी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस स्टेज, अंधेरे में भी आप इजीली इसमें काम कर सकते हो, आपको टाइपिंग करनी है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो यू कैन इजीली कन्वीनियंटली वर्क ऑन दिस। फॉर दिस इट इज़ ऑल्सो अ थम्स अप, बिकॉज मैंने और भी लैपटॉप देखे थे वो इस प्राइस रेंज में बैकलेट कीबोर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, और उस रेंज में ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो डिस्काउंट मेक श्योर कि डिस्काउंट आपको अच्छा मिले। इसकी प्राइस जो है 37,000 आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को अभी मिल रही है, बिग बिलियन डे सेल में कम होगी, और ये डिस्काउंट के बाद अगर आपको 30 से नीचे मिलता है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। मेक श्योर कि भाई आपका पहली चीज़ देखिए कि आपका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका बजट क्या है, अगर ये आपके बजट में फिट हो रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट। दूसरी चीज़ आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, मेमोरी अच्छी चाहिए, उन तीनों में ये फिट बैठ रहा है, इसलिए आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, ग्राफिक में ये थोड़ा सा फिसड्डी है, तो उसमें आप ये ना लें तो ज़्यादा अच्छा। आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं, या आपको स्टॉक मार्केट वगैरह इन सब चीज़ों में कुछ भी करना है, नॉर्मल बेसिक सा काम है, तो इस पर आप इस पर डेफिनेटली आप जा सकते हो। बेसिकली मुझे एक ग्राफिक का काम तो था, बट मेरे को एक नॉर्मल लैपटॉप भी चाहिए था, मैकबुक थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो उस वजह से मैंने ये लिया। और इसमें एक चीज़ और थी कि मुझे अपना लैपटॉप एक्सचेंज करना था, तो मेरे पास एसर का लैपटॉप था, वो कुछ इस तरीके से है, मैं दिखाता हूँ आपको, तो इस लैपटॉप को मुझे एक्सचेंज करना था, इसलिए मैंने ये लैपटॉप एक्सचेंज करके लिया। तो मुझे इसकी जो प्राइस पड़ी वो लगभग 27,000 पड़ी आफ्टर ऑल एक्सचेंजेस, मतलब वो मुझे 7,000 का गया, तो मुझे उस प्राइस पर ये सही लगा तो मैंने इसको लिया। आप अपना चॉइस करिए, आपकी प्राइस रेंज फिट करिए, और ऐसा नहीं है कि भाई आपके प्राइस रेंज में लैपटॉप नहीं आ पाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका काम आना चाहिए। मेन ओवरऑल क्वालिटी डिसेंट है, मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस बारे में, पोर्ट्स वगैरह भी अच्छे हैं, सफिशिएंट पोर्ट हैं, अगर आप कोई और भी लैपटॉप देखते तो उसमें भी नहीं मिलते इतने, मैंने इसके अकॉर्डिंग MSI का देखा था, बट वहाँ मुझे इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, वो 15 इंच का था, बट उसमें इतने ज़्यादा स्पेक्स नहीं मिल पाए थे। और वेबकैम अगर देखें, लास्ट में जो वेबकैम रह गए थे, क्वालिटी वेबकैम की इतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो मैं ये पहले ही बता दूँ, इतनी ज़्यादा खास आपको वेबकैम से हो आप और आप मेरी आवाज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कोशिश की थी मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताने की, कुछ भी चीज़ें छूट गई हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं प्रॉम्प्टली रिप्लाई करूँगा आपका, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड, बाकी मैं इसको अभी भी यूज़ ही कर रहा हूँ, तो और भी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद दोस्तों।